उत्तर प्रदेश के हरदोई में आज शहर कोतवाली इलाके में देर रात एक कपड़े के शोरूम में आग लग गई। आग लगने से लाखों रुपए के कपड़े और दुकान का फर्नीचर जलकर राख हो गया। बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी आग का पता तब चला जब दुकान के अंदर से आग की ऊंची ऊंची लपटें बाहर निकलने लगी। सूचना के बाद दमकल की गाड़ियां 3 घंटे से अधिक समय तक आग के लपटों को शांत करने के लिए जूझती रही। दुकान अंदर से काफी गहरी थी, जिसकी वजह से दमकल कर्मियों को आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। लाइटें जलाओ। एक खुला अगर हो तो इधर से कहाँ खुला है? नहीं, वो तोड़ दिए हैं, नहीं टूटा। तब यहीं से मारो, ये जो लग रहा है कुछ। सर, ये कहाँ आग लगी और क्या घटना है और किसकी है दुकान की और कितना लगभग नुकसान वगैरह हुआ होगा? क्या नाम था? एक रद्देपुरवा रोड पर श्यामू गुप्ता की कपड़े और साड़ी का गोदाम था। शॉर्ट सर्किट से उसमें आग लग गई थी। गोदाम बंद था, इन लोगों को पता नहीं चला। जब आग की लपट बाहर आई तो पता चला। सूचना पर तत्काल फायर ब्रिगेड की 3-3, 4-4 गाड़ियां और SHO कोतवाली देहात, SHO कोतवाली शहर और संबंधित पुलिस चौकी इंचार्ज आवश्यक बल के साथ लगे हुए हैं। उसमें जाने का रास्ता नहीं था, अब रास्ता पीछे से मिल गया है और लगभग आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है। कुछ ही देर में आग बुझा दी जाएगी। कितना लगभग नुकसान वगैरह हुआ होगा? अब इसका आंकड़ा तो सुबह ही बताया जाएगा, अभी वो लोग बताने के पक्ष में नहीं है कि कितना नुकसान हुआ है। अब बाद में उनको, उनसे पूछने के बाद तो पता लगेगा। कितनी देर आग बुझाने का काम चला और अभी कितनी देर लगे? लगभग 1.5 घंटे से आग बुझाया जा रहा है। अभी आधे घंटे कम से कम लगेगा आग बुझाने में।